So yo, what's up guys, what's happening, my name is Ritvik और आप देख रहे हो RKS Gamer। तो guys मैं आज अपने आपको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड का टूर देने वाला हूँ। तो आप जैसे ही देख सकते हैं ये मेरा बहुत बड़ा घर, ये मेरा सेल्फ डिज़ाइन है। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ खाली है, यहाँ पे सिर्फ मेरा फर्नेस एरिया है। मैं आपको ये थर्ड पर्सन के लुक से भी दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे अभी नीचे का फ्लोर पूरा खाली है। वो मेरे को कुछ डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। जहाँ पे एक इंचेंटिंग टेबल, यहाँ पे दो बेड है, इसका मतलब कुछ गलत बिल्कुल मत समझ लेना। ये सब डिज़ाइन के लिए यार तुम सब बिना। और ये मेरा अच्छा खासा चेस्ट रूम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, लिटरली बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हो। और यहाँ पे मैं बाहर निकलूँ, अरे भाई निकलने दे ना। चलो एक और बार करते हैं, अरे भाई ये क्या है। चलो फाइनली गाइस अब यहाँ पे मैं बाहर निकल चुका हूँ। और गाइस आपने तो मेरा घर देख लिया कि कितना बड़ा है और इसमें कितनी सारी चेस्ट है। और अब ये है मेरा छोटा सा वूल फार्म। ये है तो छोटा लेकिन ये बहुत सारा वूल प्रोड्यूस करता है, आप खुद ही देख लो इतना सारा वूल प्रोड्यूस। ये शायद से इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरे घर के बगल में, मैं वहाँ पे बहुत रहता हूँ। गाइस ये देखो मेरा अल्टीमेट वीट फार्म। गाइस ये वीट फार्म बहुत ही सही है, इसमें इतना आता है वीट कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए गाइस, ओ माय गॉड। और ये मैं लीवर दिवा के दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादातर तो वीट हो ही गई है इसलिए अच्छा लग रहा होगा। लेकिन गाइस अब देखिए, जैसे मैंने ये लीवर फ्लिक करके ऑफ किया, वहाँ से देखिए पानी आ रहा होगा। और देखिए गाइस कितना सेटिस्फाइंग लगता है ये तो। हैशटैग सेटिस्फाइंग वीडियो इन द कमेंट सेक्शन में गाइस। और देखिए ये इतना सारा वीट प्रोड्यूस करता है। ये सब तो मेरे पहले का भी है लेकिन इतना सारा वीट सिर्फ दो तीन बार, और इसमें से तो मैं कुछ लेके भी गया था। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा इस ये सिर्फ पार्ट वन था, तो अगर आपको पार्ट टू भी देखना है तो इस वीडियो पे 20 लाइक्स और 10 कमेंट्स कर दो। नेक्स्ट पार्ट में तभी बनाना शुरू कर दूँगा। और हाँ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।